हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़के द्वारा दिए गए शादी के आवेदन को लेकर राजनीतिक और हिंदूवादी संगठनों में जमकर आक्रोश व्याप्त है। आपको बता दें कि बीते दिनों तेलंगाना राज्य के भाजपा विधायक टी राजा ने एक वीडियो जारी कर इस शादी को खुले तौर पर विरोध जताया था। इसके बाद इस लव जिहाद मामले में प्रेमी जोड़ा गुरुवार को हाई कोर्ट में पेश हुआ था। इसी क्रम में हिंदू सेवा परिषद के कार्यकर्ताओं ने जबलपुर के सुप्रसिद्ध भोलेनाथ के गुप्तेश्वर मंदिर पहुंचकर सद्बुद्धि यज्ञ किया गया, जिसमें मुस्लिम युवक और हिंदू युवती की फोटो लगाकर ईश्वर से युवती की जल्द से जल्द अपने धर्म में वापस आने एवं सद्बुद्धि की प्रार्थना करते हुए हवन को संपन्न कराया गया। इस मौके पर हिंदू सेवा परिषद के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। जय श्री राम भाई साहब, आज का जैसे उद्देश्य रहा है हमारा कि जो अभी अप्रिय घटना हो रही है, अंकिता राठौर जो कि एक सिहोरा के जिहादी के चंगुल में फंस गई है, उसकी सद्बुद्धि के लिए हमने यहाँ पे आज एक यज्ञ रखा है जो कि प्राचीन गुप्तेश्वर महादेव मंदिर है। और यहाँ पे हमने भोले बाबा से प्रार्थना करी है कि वो जल्द से जल्द सनातन हिंदू धर्म में वापस आए और उसको सद्बुद्धि मिले और वो किसी अब्दुल के चक्कर में और भी कोई हमारी हिंदू धर्म की कोई महिलाएं ना फंसे। जैसे कि आपने देखा ही है कि उनके जो मजहब है उसमें बुत प्रस्ती भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक अपनी चाल के तहत लड़कियों को हमारे फंसा रहे हैं और उसके बाद उनको लव जिहाद के चंगुल में फंसा रहे हैं। ऐसा करना एक बहुत ही अप्रिय है, इसका हिंदू समाज खंडन करता है और हिंदू सेवा परिषद तो पुरजोर विरोध करता है। और ये घटना पूरे भारत में होती आ रही है जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। आज हिंदू सेवा परिषद के सभी कार्यकर्ता गुप्तेश्वर महादेव मंदिर पहुंच के हमने एक सद्बुद्धि यज्ञ किया हुआ है। यह एक लव जिहाद षड्यंत्र चल रहा है जिसका शिकार हमारी बहन अंकिता राठौर हुई है, जिसके लिए हमने देवाई देव महादेव जी के मंदिर में पहुंचकर यज्ञ किया हुआ है और भगवान से ऐसी प्रार्थना की है कि उन्हें सद्बुद्धि दें, वो पुनः सनातन धर्म में वापसी हो और इस षड्यंत्र को पहचाने, क्योंकि ऐसा कोई राज्य नहीं है जो कि लव जिहाद का शिकार ना हो। अब तो न्यायालय, शासन, प्रशासन सभी ये चीज को मानते हैं कि लव जिहाद नाम का भी एक षड्यंत्र चल रहा है जो हमारी हिंदू बहन बेटियों को फंसा रहा है, क्योंकि पहले भी ऐसा देखा गया है कि जब जब हमारी कोई हिंदू बहन लव जिहाद का शिकार हुई है, या तो उसके 72 टुकड़े फ्रिज में मिले हैं, या तो सूटकेस में मिली है, या किसी ट्रेन के ट्रैक में पड़ी पाई गई है। इस प्रकार की कोई भी अप्रिय घटना हमारी बहन के साथ ना हो, इसलिए पूरा हिंदू समाज अंकिता राठौर के साथ खड़ा हुआ है और यही प्रभु से कामना करते हैं कि वो पुनः सनातन धर्म में वापसी आए, इस षड्यंत्र को पहचाने, क्योंकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो, जिसके लिए आज हम ये यज्ञ किए हैं। इसका एकमात्र उद्देश्य कि हमारी बहन जागे और पुनः सनातन धर्म में वापस आए। ब्यूरो रिपोर्ट, द लोप मंगज न्यूज।